उसकी हाथ जल गया। ओहो, मैंने चाय पिलाने का वैसे ही कह दिया तुम्हें, बस है ना। नाया रो रही है गले लग लग के इज़ा दीदी से, टीचर से, अपनी से, टीचर से ज्यादा उसकी बहन थी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सुबह का टाइम था और मैंने पहले आटा गूंदा क्योंकि नाश्ता बनाना होता है। मैंने कहा अहमद शायद पराठा खा ले, और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि एक तो हमारे जो गार्ड अंकल हैं बाहर गली के, तो उनको भी मैं नाश्ता देती होती हूँ ना। मैं कहती हूँ कि बेचारे बैठे होते हैं, हालांकि मल्ले का कोई बंदा नहीं देता नाश्ता, तो मैंने कहा नहीं मैं दूंगी, क्योंकि सुबह 9 बजे तक बैठा रहता है, बूढ़ा सा बंदा है, तो ज़ाहिर बात है इतनी बड़ी रात है तो भूख तो लग सकती है ना। तो मैंने उनको पक्का नाश्ता देती हूँ सुबह का, मैं चाय साथ रस कभी दे देती हूँ, कभी पराठा बना के दे देती हूँ या कुछ इस तरह की चीज़। तो बस ये मैं नाश्ता बना रही थी, अब तैयार हो रहा है स्कूल जाने के लिए, और बस इसको अब मैं छोड़ के आऊँगी। अनाया सोई हुई है आराम से, ऐसी लगा हुआ है, तो मैं बहुत गर्मी है भाई, पता नहीं गर्मियाँ क्या करना चाहती हैं, जाते जाते गर्मी वापस आ गई है फिर से। सुबह का टाइम है फिर भी गर्म है। अहमद तबीयत ठीक है ना? अहमद को दवाई पिलाई है, उसकी थोड़ी सी तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी मुझे लग रहा था, लेकिन इसका पेपर आने इस वजह से इसको छोड़ नहीं सकती, स्कूल भेजना ज़रूरी है। तो अनाया छुट्टी और मैं अब इसको छोड़ने जा रही हूँ, इसकी वजह से मैंने भी मेरी भी छुट्टियाँ नहीं होती, एक को छुट्टी होती है और एक को स्कूल होता है। जूते पहन रहे और ये देखें भाई, ऐसी जून जुलाई वाली सख्त किस्म की भाई धूप है, बहुत ज़्यादा सख्त धूप है। चलो मैं जल्दी करो, मैं लॉक कर। Many hours later. मैं आज सुबह सोई नहीं हूँ, उनको स्कूल छोड़ के आई हूँ तो सोई नहीं हूँ, और मैंने कुछ काम थे बाहर के वो किए हैं, तो बस फिर खाना छाना बनाया, खाना बना के दोपहर को मैंने खाना खा के ना, तो फिर मैं सो गई थोड़ी देर के लिए। तो अभी उठी हूँ शाम को, तो अब दिल कर रहा है चाय पीने का, वरना हम लोग चाय नहीं पीते होते शाम को, मैं तो नहीं पीती, तो अनाया तो खैर पहले भी नहीं पीती थी, तो आज शाम को चाय, अब चाय पीने का दिल कर रहा है। और अनाया को मैंने कहा बेटा मुझे चाय बना दो, अनाया बहुत मज़े की चाय बनाती है। अच्छा हमको सिखा रहा है? अच्छा माशाल्लाह बहुत मज़े की चाय बनाती है, स्ट्रॉन्ग चाय बनाती है। अब भूख भी लग रही थी, मैंने कहा साथ मुझे बिस्किट वगैरह या फिर वो चीज़ दे दो। और सब ठीक ठाक हैं? चलें जी अभी फिर चाय वगैरह पीती हूँ, फिर हम लोग चलते हैं इसकी टीचर के घर में, जो इसकी टीचर है इज़ा, उसके घर चलते हैं, उससे मिलने जाते हैं, वो जा रही हैं थोड़े सा बस कहीं जा रही हैं, सरप्राइज़ है। तो फिर हम लोग इंशाल्लाह इज़ा को भी दिखाएंगे, मिलते हैं जाके उधर। लेला आज अनाया मेरे लिए चाय बना रही है, और देखें आज फर्स्ट टाइम बना रही है अनाया चाय, फर्स्ट टाइम तो नहीं बना रही, इतना तो पानी क्यों डाले मैं इतनी चाय, तो गंदा। अच्छा आप भी पियोगे, कैसा लग रहा है आपको चाय बना के? फर्स्ट टाइम थोड़ी बना रही हूं। नहीं नाया मुझे कभी कभी चाय बना के देती है, लेकिन नाया देखो मलाई उतारना तो मैं अभी भी नहीं आया, कैसे बुरी तरीके से उतारी, सारी मलाई का बेड़ा गरक कर दिया, महाराज अब बना रही है चाय। चलो चाय बनाओ और अच्छी तरीके से चाय लेके आना, अच्छा ठीक है मज़े से करके। वो वहाँ पे रखी हुई हैं, वो केक रक्स भी रखी हुई हैं, टाइयाँ भी और बिस्किट वो भी लेके आना वो। हाँ मुझे भूख लगी हुई है। और यहाँ पे अहमद बैठा हुआ कार्टून देख रहे, और मैं जो ना बस अभी सो के उठी हूँ, आज शाम को आज भी सो के उठी हूँ, क्योंकि हमारी चाय देखे कितनी मज़े की चाय है, देख कलर कितना खूबसूरत आया है, और साथ ये सारे बिस्किट और वो टाई वगैरह और सब चीज़ें, बहुत गुड हो गया जी, तो मज़े की चाय बना दी। थैंक यू बेटे जी, थैंक यू बहुत शुक्रिया। मैं छोटे छोटे काम इसको कहती हूँ, थोड़ा थोड़ा काम किया करे, लेकिन चूल्हे के पास मेरा खुद भी दिल नहीं करता कि हाथ ना जल जाए, वो आवाज कह रही है हाथ जल गया। दिखाओ दिखाओ जरा, मुझे बात सुनाती है, ये हाथ पे थोड़ी सी चाय गिरी है। अच्छा 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 अच्छा, मुझे फिफरा बातें सुना दिया। क्या कहती है? कहती है खुद भी काम कर लिया करो कभी, मामा मामा ही कहती रहती है। नहीं ये नहीं कहती, ये कहती है कभी खुद भी जाके चूल्हे के पास खड़ी हो जाया करो, वो इसको यही है ना कि इसकी मम्मा ही करती है सारे, वो जेलस होती है, जेलस नहीं होती, जेलस नहीं होती, वो मुझे देखती होगी इसकी मम्मा काम करती है इसलिए। दिखाओ जरा, को चाय बनाने का कहा है तो उस बेचारी के हाथ पे ना चाय, वो चाय गिर गई तो वो हाथ जल रहा है अब उसको बहुत ज्यादा, तो मैं इसके ना अभी लगा रही हूँ पेस्ट, मैंने जल्दी जल्दी पेस्ट लगा लेती हूँ, ठीक है ना। बस चलो एक मिनट दिखाओ, निकाल ले तो एक दो, ये अपना न्यू पेस्ट क्यों नहीं रखती? ये देखिए इसकी हाथ जल गया,
मैंने चाय पिलाने का वैसे ही कह दिया तुम्हें बस, है ना? ओ बेचारी बच्ची मेरी। चलो हम लोग जा रहे हैं अभी से मिलने के लिए, निकलते हैं। और अहमद कह रहे हैं मैंने नहीं जाना। नाया उसकी बास्केट के ऊपर रखा हुआ है बेटे, ये यहाँ पे रखा हुआ है। एक तो नाया को कोई चीज नहीं मिलती, कसम से ऐसे तंग करती है ना बस। तो अहमद कह रहा है मैंने नहीं जाना, मैं तंग होता हूँ वहाँ पे, आप लोग अपनी बातें करते हैं तो मैं नहीं जा रहा। तो हम लोग जल्दी जल्दी से होके आते क्योंकि शाम में 8 बज रहे हैं, तो फिर हम निकलते हैं। चलो आपकी शूज बाहर है, बाहर 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 पड़ी हुई, चलो निकलो। हम मिर्जा के घर फिजू, तुम क्यों जान दिखा रही? जान छुट्टी, जान छुट्टी। मैं इतनी खुश हूँ ना, मुझे रोना ही नहीं आ रहा। तो किस बात पे खुश हो कि तुम्हारी जान छूटी? मुझे कमरा मिल गया है, मुझे उसके कपड़े मिल गए हैं। उफ अल्लाह फिजू, अंधेरा अंधेरा अंधेरा। चलो इतना भी खुश हो कोई होता है? अच्छा नाया रो रही है गले लग लग के इज़ा दीदी से, टीचर से, अपनी से, टीचर से ज्यादा उसकी बहन थी तो बस गले लग लग के रो रही है। नाया कोई बात नहीं, आज खैरियत से। अभी रो रही है ना, उसको पता कि मेरी अभी सुन लेगी मेरी सारी, जो जो मैं कहूंगी वो मान लेगी, वरना कहेगी चुप कर जाओ खबरदार।